हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके आने वाले उत्तराखंड सचिवालय के आर ओ एग्जाम 2023 के लिए, जो कि आपका 18 जून को आपका क्या है बच्चों, प्रीलियम्स है, और फिर आपका सेप्टेम्बर में क्या है आपका मेन्स का एग्जाम है। और जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपके मेन्स के भी एग्जाम में अब 200 क्वेश्चन जो है वो जीएस के हो चुके हैं, तो कंप्यूटर्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा या डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, यानी कि तीन चीजें यहाँ पे हो रही है। जो आपका डेटा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना, और जो आउटपुट है उसको करती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है इनमें से? ठीक है, ये आपको बताना है इन चारों में से वो क्या चीज है जो ये सारे फंक्शन कर रही है। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा है, तुरंत आप लोगों ने चारों ऑप्शन पढ़ते हुए बता दिया होगा क्या, कंप्यूटर। ठीक, अगर आप मेरा कंप्यूटर वाला लेक्चर देखें जो मेरी ऐप पर अवेलेबल है, अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं, तो मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक शुरू करना उसमें सारे लेक्चर जो है वो किए हैं, कंपाइल किए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन? यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या इनपुट है, क्या स्टोरेज है, क्या प्रोसेसिंग है, या ये तीनों के तीनों ही काम कंप्यूटर के होते हैं। बच्चों इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से आपने निकाल दिया होगा, इसका है ये सभी, यानी कि आपका कंप्यूटर में जो क्या होता है इनपुट होता है, फिर आपके कंप्यूटर में क्या होते हैं स्टोरेज होते हैं, जो आप हार्ड ड्राइव में यानी कि प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी में करते हैं, फिर आपका जो सीपीयू होता है वो क्या करता है प्रोसेसिंग करता है जो भी आपने उसको टास्क दिया है, और फिर उसका क्या देखते हैं आप आउटपुट देखते हैं। तो ये चारों प्रोसेस जो होती है वो आपके कंप्यूटर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कंप्यूटर। इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी के तीन जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जरा आराम से पढ़िएगा। देखिए पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है और जो भी आप डेटा उसको दे रहे हैं उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। दूसरा है, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है, यानी कि जो भी आपकी मान लीजिए एमएस ऑफिस फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, यहां उस तक पहुंच सकती है। ठीक है, इसमें कोई भावेश नहीं होता, इसका अपना कोई भावना या चाहत नहीं होती, यानी कि इसके कोई अपने क्या थॉट्स या अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ठीक है, और ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, यानी कि विदाउट योर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचता है। तो देखो बच्चों, इसका सीधा जो आंसर है वो है डी, यानी कि कंप्यूटर किसी भी हालत में सेल्फ डिसीजन लेके जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आपने रखी है, जैसे मान लीजिए आपने एमएस ऑफिस रखी है, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल रखी है, उस तक एक्सेस कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब आपको बता रहे हैं ये चार जो आपके कथन हैं उनमें से तीन जो हैं आपके क्या होंगे, गलत होंगे, एक कथन बिल्कुल सही हो। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर स्वयं अपनी सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, यानी कि जो भी आपका उसका डेटा है उसको वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना हुआ है, केवल हार्डवेयर से बना हुआ है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, यानी कि चौथा ये कहता है कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसको ये प्रोसेस करता है, उसको अरेंज करता है, ठीक है, और फिर प्रेजेंट करता है। तो देखिए आपका क्या आंसर हो सकता है इसमें। तो भाई इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका डी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। जो भी डेटा होता है, बार बार जब मैं डेटा बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, एमएस ऑफिस की फाइल्स हो गई या ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया या प्रोग्राम्स हो गए,
उसको संग्रहित करता है, स्टोर करता है, कैप्चर कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? चार ऑप्शन देखिए, ALU, CPU, मेमोरी और पेपर। तो सीधा आंसर है, मेरे ख्याल से किसी को सोचनी जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या है? पेपर। पेपर या कागज जो होता है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता, वो प्रिंटआउट के लिए आप निकालते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? ठीक है, आपको बायोस का फुल फॉर्म बताना है, इनमें से कौन सा बायोस का फुल फॉर्म है? ठीक बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस में। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है, जब आप कोई भी डालते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें डाली है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसको वो चेंज करता है, किस में, आपको ये बताना है। नंबर में, इनपुट में, डेटा में, प्रोसेस में। देखो बच्चों, इसका आंसर है डेटा। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखो वही बार बार डेटा वर्ड पढ़ रहे हो, तो पूछा गया है डेटा किसे कहा जाता है? ठीक बच्चों, तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, अब ध्यान रखिएगा ये इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपने उसके अंदर मान लीजिए क्या डाला है, अल्फाबेट डाले हैं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन है, डिजिट्स डाले हैं वो एक इंफॉर्मेशन है, ऑडियो फाइल डाली है वो इंफॉर्मेशन है, आपने इमेजेस डाली है वो एक इंफॉर्मेशन है, आपने वीडियो फाइल डाली है वो एक क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप देख रहे हैं, इस कोर्स को आप अपने मोबाइल फोन में और डेस्कटॉप या लैपटॉप में देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।